वह सब गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर काफी शानदार रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट डे जानेंगे, इसके बाद में फिर आप लोगों के सामने क्विज होगा, फिर आगे चलकर नैनो न्यूज होगी, और उसके बाद में डिटेल में न्यूज, और फिर बाद में एक क्विज होगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अगर इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो बाद में जो क्विज होगा उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। PIB, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को पता है दो और वीडियो आती है, एक होती है हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट डिस्कशन और दूसरी होती है MCQ की, जो कि आप लोगों की कंप्लीट स्टडी यहाँ पर करती है करंट अफेयर की। तो ये तीनों वीडियो कंबाइन आप लोगों को कंप्लीट पैकेज देती है करंट अफेयर का, जो कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन के साथ साथ में पूरा करंट अफेयर कवर कराती है, और इनकी PDF आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, ये बात की जा रही है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। ये 18th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है, एक आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि पानी को मॉनिटर करना है, तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। यानी कि आज की डेट में अगर आसपास आप लोगों के कहीं पर भी पानी अगर कहीं पर टपक रहा है या कहीं पर कोई नल खुला हुआ है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग उसको बंद करें। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए यहां पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो स्टार्ट किया गया, ये अमेरिका की क्लीन वाटर फाउंडेशन थी जिसके द्वारा ग्लोबल लेवल पर लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया गया। इसी के चलते वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग यहाँ पर चैलेंजेस, और इसी के साथ में अर्थ इको वाटर चैलेंज, ये एक तरीके चैलेंज भी यहाँ पर स्टार्ट किए गए। आप लोग बोल सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि अवेयरनेस फैलाया जाए, तो उसके चलते कोई टास्क दे दी जाए लोगों को ताकि और ज्यादा अवेयरनेस फैले। तो पब्लिक अवेयरनेस था बेसिक पर्पज, जिसके बेस पर कि पानी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि आप लोगों को पता है नीति आयोग के द्वारा भी बोल दिया गया है कि हमारी कंट्री में 2020 तक हमारी जो बड़ी बड़ी सारी सिटीज हैं वहां पर कई सारी सिटीज में आप लोगों को पानी देखने को नहीं मिलेगा, जिनमें से हमारी कैपिटल दिल्ली भी एक है। तो इसी के चलते लोकल लेवल पर हम लोग अगर मिलकर पार्टिसिपेट करें तो ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर बताइए, जो एक और यहां पर पानी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे के साथ में इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में। आप लोगों के सामने यहां पर 8 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और इसके बाद में फिर आंसर बताया जाएगा। इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोग लेक्चर सुनकर चल रहे हैं। इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में अभी साइंस एंड इनोवेशन अलायंस की बात की गई, और इसी के साथ में हिंदी चेयर की बात की गई एक यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो कौन सी है ये यूनिवर्सिटी? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अनवील की गई महात्मा गांधी जी की स्टैचू, कौन सी कंट्री में ये अनवील की गई है? नेक्स्ट बात की जा रही है त्रिपुरा के बारे में, तो 3 दिन का यहाँ पर ये है यहाँ पर निर्मल जल उत्सव, ठीक है ना। तो निर्मल जल इस उत्सव के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी लेक के ऊपर ये सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये है ई सरल हिंदी वाक्य कोश, ई सरल हिंदी शब्द कोश मोबाइल ऐप, किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ताकि हिंदी को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, तो कौन सी कंट्री के सिविल सर्वेंट को हमारी कंट्री में ट्रेन करने की बात की जा रही है, मैसूरी के अंदर और दिल्ली के अंदर, तो ये कौन सी कंट्री के सिविल सर्वेंट है जिनको हमारी कंट्री में ट्रेन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप वुमेन के लिए किस कंट्री के द्वारा यहाँ पर होस्ट किया जाएगा, ये 2nd से लेकर 21st नवंबर में नेक्स्ट ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है वर्ल्ड कप के बारे में और महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये कब यहाँ पर गवर्नर के द्वारा इसको असेंट दिया गया था, यानी कब पिक्चर में आया था। इसी के साथ में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी रिजोल्यूशन पास किया गया यूरेनियम माइनिंग को रोकने के लिए, तो ये किस पर्टिकुलर एरिया में यूरेनियम माइनिंग को रोकने की बात की जा रही है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लैंक, ये फिलिंग द ब्लैंक भरना है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को बताने हैं, आइए एक एक कर आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर, ये है इंडियन और स्विट्जरलैंड मिलकर काम करेंगे यहाँ पर लुसाने, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जहाँ पर हिंदी चेयर लगने वाली है, यानी कि हिंदी को प्रमोट किया जाएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू है वो अनवील की गई स्विट्जरलैंड में, और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। त्रिपुरा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर यह है रुद्र सागर लेक जहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में अमित शाह जी जो कि हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ई सरल हिंदी वाक्य कोश, और ई यह
है यहाँ पर ई महाशब्दकोश, ठीक है। तो ये मोबाइल ऐप स्टार्ट किए गए हिंदी को प्रमोट करने के लिए। मालदीव के सिविल सर्वेंट हमारी कंट्री में पढ़ाए जाएंगे, ये यहाँ पर मसूरी और दिल्ली में प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। ओके, इसी के साथ में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये हमारी कंट्री में होने वाला है, यानी कि इंडिया में। यहाँ पर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में, तो ये 1978 में आप लोग को देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर बात करें यूरेनियम माइनिंग की, तो है यहाँ पर ये है अमाराबाद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पर है, तो ये टाइगर रिजर्व है यहाँ पर तेलंगाना के अंदर, और इसी के साथ में यहाँ पर ये नालमाला फॉरेस्ट एरिया के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर अमराबाद और इसी के साथ में यहाँ पर ये फॉरेस्ट, दोनों आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि न्यूज में है यूरेनियम की वजह से। आइए चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर, जिसको बोलते हैं हम लोग नैनो न्यूज। ये नैनो न्यूज यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो एक एक कर यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये बात की जा रही है, नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर के द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट कर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। यानी कि यहां पर बात की जाएगी कि हमारी कंट्री में जो कोयला है उसको कैसे क्लीन कर रिसर्च की जा रही है, कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंट पर कम नुकसान पहुंचे। तो यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और यहां पर ये जो इनॉग्रेट किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु के अंदर में। तो जो यहां पर साइंस डिपार्टमेंट है, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं, तो ये बात कर रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोल रिसर्च डेवलपमेंट, ये यहां पर कहां पर होगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारी कंट्री में जो कोयला है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी के द्वारा मिलकर, इनके साथ में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो स्टेट के हैं हरदीप सिंह पुरी, लॉन्च किया गया यहां पर स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या मतलब है इसका, यानी कि बाहर से अगर हम लोग स्टील को इंपोर्ट कर लेके आ रहे हैं, तो उसको ये मॉनिटर करेगा कि किस तरीके से हम लोग यहां पर स्टील खरीद सकते हैं। ये जो पैटर्न है यहां पर, अगला क्वेश्चन बन सकता है किसके पैटर्न पर हम लोग इसको एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस है यहां पर, उसके बेस पर हम लोग यहां पर इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो है यहां पर हमारा SIMS यानी कि स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इनका क्या है यहां पर स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, ये एनालिसिस यहां पर हमारा सिस्टम है, यहां पर एनालिसिस है। तो ये यहां पर काम करेगा, यूएसए में क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को कहां से आप लोगों को इंपोर्ट करना है, और इससे रिलेटेड जो स्टील इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है, उनको भी यहां पर एक इफेक्टिवली यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात करता है ये सारी चीजें। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले, एक तरीके का वार्निंग सिस्टम नहीं होता है, जैसे हमारी कंट्री में अगर बाढ़ वगैरह कोई आ रहा है, तो हमारी कंट्री में जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो यहां पर पहले से ही बता देता है IMD कि हाँ भैया बाढ़ आने वाली है, ये होने वाला है, तो अपना थोड़ा सा सिक्योर कर लो। तो एक तरीके से ये उसी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, स्टील के फील्ड में क्या करना है, तो उसके बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहां पर तमिलनाडु गवर्नमेंट की साइड से निकल कर आ रही है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करने की बात कर रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो यहां पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, तो ये पर्टिकुलर साउथ इंडिया का राज्य है हमारी कंट्री में, तो ये ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहते हैं कैसे रोड सेफ्टी देखने को मिलेगी। लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं हमारी कंट्री में हर साल, और इनमें से लगभग 1.5 लाख जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है, तो ये कंडीशन है आज की डेट में। और ऐसा नहीं है कि यहां पर लापरवाही की वजह से जाती है, कई बार सड़कों में गड्ढे भी देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से भी जान जाती है। तो कैसे हम लोग सेफ्टी की बात कर सकते हैं, तो यहां पर उसके बारे में एनालिसिस होगा। तो यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट विद यह विक रोड्स एंड हाईवे डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ मिलकर यहां पर काम किया जाएगा दोनों के द्वारा मिलकर। तो एक वर्कशॉप रहने वाला है यहां पर 6 दिन का, जो कि स्टार्ट हो चुका है, तमिलनाडु मिलकर काम करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के में आप लोगों को पता है ईरान काफी न्यूज में है, और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी यहां पर 16th यानी कि 16वां राउंड देखने को मिला जो फॉरेन कंसल्टेशन है इंडिया और ईरान के बीच में, कहां पर हुआ, तेहरान में, ठीक है। तो तेहरान कहां पर है, ये ईरान के अंदर है और कैपिटल है ईरान की। तो यहां पर बेसिकली फोकस ये किया जा रहा है कि दोनों साइड जो है वो बायलेटरल ट्रेड कैसे बना सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसे बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे यहां पर पोर्ट की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट, चाबहार पोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसी के साथ में साहिद बेस्ती पोर्ट जो यहां पर है उसके ऑपरेशनल की बात की जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट जो कि डेवलप किया जा रहा है यहां पर इंडिया के द्वारा, और ये एक लोता पोर्ट है। और हाँ, फिर मुझे बार बार याद आ जाता है, ये क्वेश्चन जो है 50,000 का क्वेश्चन था केवीसी में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, अगर किसी का केवीसी में हो जाए तो कम से कम कुछ फायदा हो जाएगा, आप भी कम से कम थोड़ा याद कर लोगे। जैसे कि आज एक बच्चे ने कमेंट किया जो मैं पढ़ रहा था, एक हमारी फैमिली का मेंबर है जो कि किसी क्लास में गया क्लास करने के लिए, वहां पर उसको फीस देनी थी 11,000 रुपये। तो
तो जो 11,000 फीस देनी थी वहां पर, 11,000 फीस तीन इंस्टॉलमेंट में देनी थी, तो जो तीन इंस्टॉलमेंट में फीस देनी थी 4,000 प्लस 3,000, तो इसने बोला टीचर से वहां पर जो भी था कि तीन इंस्टॉलमेंट में नहीं सर, मुझे चार इंस्टॉलमेंट में फीस करने दीजिए। तो पहले तो टीचर ने हामी भर ली कि ठीक है चार इंस्टॉलमेंट में दे देना, फीस कम नहीं की, चार इंस्टॉलमेंट में ही दे देना, पूरी फीस देना। पर लेकिन नेक्स्ट डे जब ये गए वहां पर, तो उसका जो भी वहां पर पीए वगैरह था उसने क्या किया, उनको एंट्री ही नहीं करने दी। यानी कि ये बोला कि तीन इंस्टॉलमेंट में फीस दोगे तो ही एंट्री करनी जाएगी, और क्लास से बाहर भगा दिया एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। और सबसे बुरी बात पता है क्या थी, पूरी बारिश हो रही थी काफी तेज, और बारिश में क्लास करने गए थे वहां पर, और उसके बाद फिर ये कंडीशन देखने को मिली। ठीक है, तो ये उस टाइम पर बोलेंगे सर उस टाइम पर आपकी याद आ गई। तो देखिए कंडीशन ये होती है, हर एक चीज अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से आप लोग देखकर चलते हैं कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फ्री में पानी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि पानी की अहमियत नहीं है, बर्बाद किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे हवा है उसको पोल्यूट किए जा रहे हैं, जो जो चीजें फ्री में मिल रही है हम लोग सोचते हैं कि ये फ्री में है इसलिए हम लोग के लिए हम लोग उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं। ऐसे ही कुछ यहां पर लेक्चर की बात की जाती है, ये जो लेक्चर आप लोगों के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं इनकी प्रॉपर क्लास चलाई जाती है, प्रॉपर आप लोग यहां पर इसके लिए पेड आप लोगों के कोर्स देखने को मिलते हैं। आज की डेट में हर जगह आपकी डेट में आज के डेट में जो एजुकेशन है उसको एक कमर्शियल हब बनाया जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज के डेट में एजुकेशन। तो हर एक बंदा आज के डेट में एजुकेशन में घुसने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पैसा कमाया जाए। तो यहां पर कंडीशन ये निकल कर आती है कि आप लोगों को उसको कैसे ट्रीट करना है। आप लोगों के पास में ओपन सोर्स है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप लोगों को मान लीजिए बच्चे ने बोला कि सर इंग्लिश सीखनी है तो ऑनलाइन सर्च कीजिए जो भी आप लोगों को सीखना है, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, कहीं भी पैसा खर्च करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। देखिए कोशिश हाँ अगर करना भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं खर्च करना है, देखिए थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को फोन लेना है, या मान लीजिए आप लोग क्या करना है, आप लोग सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन पेपर लगाना है तो पुराने क्वेश्चन पेपर खरीद कर मार्केट से लेके आ जाओ, तो इतना तो खर्च करना पड़ेगा, किताबों पर खर्च करना पड़ेगा। पर लेकिन आप लोग सोचे कि 30-40 हजार या 1-1 लाख रुपए देकर काम चलेगा, तो देखिए फिर तो वो एक अलग डायरेक्शन में चीजें चली जाती है। उससे पता चलता है कि खुद के अंदर डेडिकेशन नहीं है, अगर आप लोग खुद के अंदर डेडिकेशन रखते हैं तो अपने आप ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो एजुकेशन को जो बिजनेस बनाने की कोशिश की जा रही है तो वो एक अलग ही तरीका फंडा निकल के आता है, और ऐसी बात नहीं है एक बच्चे ने बोला कि सर आप क्यों फ्री में पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी दिन फिर बाद में बात करूंगा ये भी काफी बड़ा ही एक दिलचस्प टॉपिक है। वैसे बात यह है कि घुमा फिराकर मतलब एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें एक होती हैं कि हाँ किसी ने किसी को कुछ ऐसी चीज रहती है कि यार हाँ कम से कम ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब तक मैं हूं यानी कि पढ़ाने के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पढ़ाने के बारे में तो मैं हमेशा से आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ गई पढ़ाने के अलावा तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन पढ़ाने का नाम की बात जब रहेगी वो हमेशा आप लोगों को ये ऐसे ही चीजें मिलेंगी। ठीक है, जहां तक मैं अकेला काम करता रहूंगा। और देखिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाती है ना उनके पास पैसा आता है तो और बड़ा इंस्टीट्यूट कर लेते हैं वो, उसके बाद फिर लोग रख लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, पर लेकिन इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं बनती जितनी फीस वो लेते हैं। वो एक तरीके से एक यहां पर एक डिवाइड क्रिएट कर देते हैं, जो बच्चे खासकर गरीब हैं और जो अमीर बच्चे हैं वहां पर अमीर बच्चे ही जा पाते हैं, तो वो एक अलग तरीका माहौल बन जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चीजों को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर कुछ गरीब बच्चों को, कुछ जरूरतमंद बच्चों को अगर ये चीजें मिल जाएंगी तो वो जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलेगा। तो इसीलिए कोशिश क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, यही बेसिक पर्पज इसके पीछे रहता है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, काफी बात हो गई। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये अकेला पोर्ट नहीं है, और भी कई सारे पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ वाले रीजन में और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये चाबहार पोर्ट है जिसको अफगानिस्तान के साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है, और ऊपर यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ पर भी कई सारे, ये सारे ईरान के पोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन हमारा ईरान के साथ में रहता है तो और भी कई सारे पोर्ट की हम लोग को एक्सेस मिल सकती है और सही डायरेक्शन में हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो श्री रमेश पोखरियाल निशांक है, इनके यहां पर लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम जिसको LEAP बोला गया है, और इसी के साथ में एनुअल रिफ्रेश प्रोग्राम इन द टीचिंग। ठीक है, यानी कि टीचिंग के लिए, यानी कि एक तरीके से रिफ्रेशर प्रोग्राम और यहां पर एकेडमिशियन प्रोग्राम, तो दो तरीके प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किए गए हैं। एक में तो लीडरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी और एक में टीचर के लिए यहां पर असेसमेंट देखने को मिलेगा, ताकि टीचर की भी क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके। टीचर का लर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोग यहां पर एक बोल सकते हैं, जो कि सेकंड वाला है जिसको ARPIT अर्पित बोला गया है। ठीक है, तो ये यहां पर जो स्टार्ट किए गए हैं ये पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, तो ये बेसिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ता हूं,
नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रिसेंटली अभी विजिट की गई स्लोवेनिया की। तो स्लोवेनिया के जो काउंटर पार्ट है जो कि है ब्रूथ पाहोर, ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा मिलकर कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए। सबसे पहले तो इन्होंने बात की कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी एक कंट्री की दादागिरी नहीं चलनी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड यहां पर होना है। इसी के साथ में इंडिया और स्लोवेनिया के साथ में कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए, खासकर इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा स्पोर्ट कल्चर, रिवर रिज्यूविनेशन यानी कि रिवर को सुधारा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में कोऑपरेट करने वाले हैं। स्लोवेनिया है कहां पे, ये आप लोग देखते हैं यहां पर, ये हो गई स्लोवेनिया, ठीक है। आप लोग इंडिया के साथ में एक बार कंपेयर कीजिए तब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हो गई हमारी कंट्री, बीचों बीच आप लोगों को दिख रही है, यहां से आप लोग यहां पर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान, यहां पर ईरान हो गया, तुर्की हो गया, ये यहां पर हो गया रोमानिया। आगे चलेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन है यहां पर, ये हो गई स्लोवेनिया। तो ये स्लोवेनिया है यहां पर जो कि हमारी कंट्री के द्वारा विजिट की गई है और काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के अंदर। अगर थोड़ा सा नीचे आप लोग यहां पर देखेंगे, ये हो गया गल्फ ऑफ फीनिक्स, ठीक है, तो याद रखिएगा एड्रियाटिक सी के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है और ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से डायरेक्ट। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोशिया ये कंट्री है जो यहां पर इसको टच करती है और ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर बात निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइड से। तो यहां पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम जिसको बोला जा रहा है इनके द्वारा निर्विक, जो निर्विक स्कीम है यहां पर, ये इनहेंस करेगी लोन अवेलेबिलिटी और इसी के साथ में ईज लैंडिंग की जाएगी ताकि आराम से लोन प्रोवाइड कराया जा सके। ये जो स्कीम थी इस तरीके की, जो स्कीम थी 2019 में हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहां पर इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट को बूस्टअप किया जा सके। तो उसी के चलते यहां पर एक स्टेप उस डायरेक्शन में आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नेवी के लिए, तो बात की जा रही है इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस, ISSA। तो दिल्ली के द्वारा यहां पर जो कि खासकर एक प्रीमियर DRDO की लेबोरेटरी है, ये मिलकर डिजाइन कर रहे हैं, किसके साथ है मिलकर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये यहां पर वॉर गेमिंग सॉफ्टवेयर इन कोलैबोरेशन विद मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम के साथ मिलकर यहां पर जो वॉरफेयर सेंटर है, ये यहां पर एक तरीके का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि ये वार्निंग सिस्टम है यहां पर एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में नेवी के। देखिए हमारी कंट्री का जो कोस्टल एरिया है ना यहां पर, ये टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किस तरीके से हम लोग इन 9 के 9 राज्यों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। अच्छा, अगर किलोमीटर में आप लोग ये बाउंड्री नापना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग यहां पर ये बताइए कि ये कितने किलोमीटर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है हमारा जो कि ओशन के साथ में बाउंड्री टच करता है, यानी कि गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर गोवा, गोवा तो होगा नहीं, केरला है या आंध्र प्रदेश है, जो कि सबसे ज्यादा यहां पर ओशन के साथ में बाउंड्री टच करता है, ये भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हमारी कंट्री के द्वारा कंफर्म किया गया यहां पर डॉक्टर जो कलाम जो APJ अब्दुल कलाम सर थे उनके नाम पर यहां पर है डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 का ढाका में यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था फॉर्मर जो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम सर की याद में यहां पर ये अवार्ड बनाया गया था, क्योंकि इनके चलते हमारी कंट्री और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और जो खासकर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं साउथ एशिया में ये शांति बनाए रखने के लिए। और इंडिया और बांग्लादेश का जो कंट्रीब्यूशन है कोऑपरेशन का वो एक हाई लेवल का है, क्योंकि कुछ भी ऐसा जो इंडिया के खिलाफ होता है ये अपनी कंट्री में नहीं पनपने देती हैं, तो ये इसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए, तो यहां पर आज जो नाम है तनुप्रिया, आप भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, काफी अच्छा लगता है। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर नेहरू ट्रॉफी के बारे में, तो ये केरला के अंदर यहां पर पुन्नमादा लेक है, इसमें देखने को मिलती है जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में थी। इंजीनियर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15th of September को और ये एम विश्वेश्वरैया जी के ये बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों से पूछा गया था लैंग्वेजेस के बारे में, हमारी कंट्री में जो संविधान में 8 शेड्यूल है उसमें टोटल मिलाकर 14 लैंग्वेज थी जब स्टार्टिंग में वो इंप्लीमेंट किया गया, आज की डेट में 22 लैंग्वेज है, यानी कि यहां पर अगर बात करेंगे 14 से लेकर जो 22 तक का सफर है वो यहां पर किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा देखने को मिला, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1967 में, तो ये अमेंडमेंट करके कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, तो ये बात की गई यहां पर सिंधी। फिर आप लोगों को देखने को मिला 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी यहां पर ऐड की गई, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 3 लैंग्वेज ऐड की गई। फिर यहां पर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये ऐड की गई, तो टोटल मिलाकर 4 यहां पर हो गई और यहां पर 3 हो गई और ये हो गई 8, ठीक है ना, तो 14 और प्लस 8 कितनी हो गई यहां पर, ये हो गई 22 लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टोटल 22 लैंग्वेज है और ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में भी पूछा जा चुका है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
आइए नेक्स्ट जो बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये बात की जा रही है VCBC के बारे में। ये क्या है यहां पर, ये वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये यहां पर फोकस देने वाला है वल्चर, जिसको हिंदी में आप लोग गिद्ध बोलते हैं। गिद्ध क्या काम करता है, एक सफाई का काम करता है पृथ्वी पर। अगर कुछ गल सड़ जाता है तो उसको खाता है और यहां पर पृथ्वी पर सफाई का काम करता है। सोचिए अगर जो जानवर मर रहे हैं, जो इंसान मर रहे हैं, वो सब अगर पृथ्वी पर ऐसे ही पड़े रहे, उनको जलाया दबाया ना जाए तो कैसा होगा। यहां पर और बचे हुए इंसान है वो वैसे मर जाएंगे। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आज की डेट में अगर वल्चर को आप लोग देखेंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो काफी कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर इसी के चलते यहां पर अगर कहीं थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो उसको एक तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अभी अगर देखेंगे आप लोग, एक टाइम पे हुआ करता था लगभग 40 मिलियन के करीब यहां पर होते थे 80s में। आज के डेट में यहां पर ये 1000 में हो गए हैं, इतने ज्यादा वल्चर आज के डेट में मर चुके हैं। रीजन बताया जा रहा है यहां पर ये है ड्रग डाइक्लोफेम, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती है कैटल्स के अंदर। यानी कि जानवरों को अगर मान लीजिए यहां पर ये दवाई दी जाती है, ठीक है ना, तो ये दवाई जानवर को दी जाएगी और जब जानवर को यहां पर ये गिद्ध खाएगा मरने के बाद में, तो वो गिद्ध मर जाता है, उस गिद्ध की हालत खराब हो जाती है। तो इस तरीके से यहां पर ये दवाई है बैन भी कर दी गई थी 2008 में, पर लेकिन आज के डेट में भी ये ऐसी ही देखने को मिलती है। तो वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है यहां पर वो स्टडी कर रहा है कि आज के डेट में जो डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। तो यहां पर पिंजौर हरियाणा में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके बेस पर यहां पर फोकस ये किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसको ढंग से लेकर चल सकते हैं ताकि जो वल्चर है उनको यहां पर बचाया जा सके, यानी कि गिद्ध को बचाया जा सके। ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि किस तरीके से हम लोग जो ब्रीड है यहाँ पर उसको हम लोग अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं। और जो वल्चर है उसको आज की डेट में जो यहाँ पर मोर देन लगभग 700 की बात की जा रही है, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आज के डेट में आ चुके हैं, तो कैसे उनको आगे लेकर ला सकते हैं। तो व्हाइट बैक्ड जो लॉन्ग बेल्ट और इसी के साथ में जो सिलेंडर बेल्ट, ये यहाँ पर अलग अलग तरीके के वल्चर यानी कि गिद्ध आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये है डाइक्लोफेनेक, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये दवाई आप लोगों से पूछी जा सकती है जो कि बैन है ऑलरेडी, यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है। ओके, आगे चलते हैं। बाकी जो यहाँ पर अभी अवार्ड की बात की थी, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में। तो ये जो अभी यहाँ पर शेख हसीना जी को दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। पहले तो आप लोगों को बता ही दिया 2019 का जो गया है ये अभी ये शेख हसीना जी के पास में गया है। इससे पहले 2015 की अगर बात करें, यहाँ पर ये मालदीव, घाना और मॉरिशस के प्रेसिडेंट को दिया गया है। उनके किस तरीके से रिलेशन हमारी कंट्री के और कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति बना के रखी गई है, तो उसके उपलक्ष में दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम सर की याद में यहाँ पर ये दिया जा रहा है अवार्ड। ये एवरी ईयर हम लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए हमारी कंट्री में, यह DALE तो डेल व्यू, यहां पर ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट के तहत यहां पर रजिस्टर हमारी कंट्री में है। ये जो गठन किया गया था इसका 1978 में गठन किया गया था, पर लेकिन जो अवार्ड है ये अवार्ड 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो 15, 16, 17, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये चलता हुआ रहा है। 15 में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर आज की डेट में यहां पर ये फोर्थ अवार्ड यहां पर इनको दिया गया 2019 में। तो ये आप लोग याद रखते हैं, अभी गया है बांग्लादेश की साइड में। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है और एपीजे अब्दुल कलाम सर की याद में ये अवार्ड बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कल्चर की बात थोड़ी की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पर, यह है जैकर बंगलो के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर इसको पिक्चर में एक बार देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। तो इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या न्यूज़ है यहाँ पर, अभी रिसेंटली यहाँ पर हमारी कंट्री के मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इनोग्रेट किया गया, यहाँ पर रीइनोवेट इसको किया गया, इनके फिर से इसमें जो मरम्मत की गई। तो ये जयकर बंगलो है जिसको क्लासिकल हेरिटेज साइट के रूप में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है NFAI पुणे के अंदर। ये क्या है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, तो ये पुणे के अंदर में। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, कल फिर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो बनाया गया था ये 1945 में बनाया गया था, तो इसको कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये टुडोर स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो स्टाइल है बेसिकली ब्रिटेन में आप लोगों को देखने को मिलता है। और मुकुंद राव राम राव जैका, तो ये यहाँ पर बैरिस्टर थे और इसी के साथ में फर्स्ट वाइस चांसलर थे पुणे यूनिवर्सिटी के, जिनका ये होम था एक टाइम पर। तो इसको यहाँ पर ये बनाया गया, बाद में आगे चलकर इंडियन लॉ सोसाइटी के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया और ये आगे चल के इसी तरीके से हैंडओवर होता चला गया। और रिसेंटली अभी जो तुदोर स्टाइल में ये बनाया गया है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तुदोर आर्किटेक्चर स्टाइल जो है यहाँ पर ये डेवलप हुआ इंग्लैंड के ये इंग्लैंड बिटवीन ये 1485 से लेके 1558 तक। इसके बाद में चलकर देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए कोई आर्किटेक्चर कहीं पर कोई डेवलप हुआ फिर दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां पर कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही पैटर्न आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में आगे चलकर अगर बोले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर है ये तुदोर मोनार्क ये इंक्लूडिंग हेनरी VI और ये हेनरी VIII जो है यहाँ पर, तो 7 और 8 जो है हेनरी, ठीक है, तो इनके टाइम पर यहाँ पर बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर था ये डेवलप हुआ। तुदोर स्टाइल इसके नाम पर इसको बोला जाता है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट
यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली एसोसिएटेड रहती है तुदोरी स्टाइल में, ब्लैक एंड व्हाइट कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट मीन का मतलब यहाँ पर एक तरह से टिम्बर यूज की जाती है, व्हाइट वोस वाली वॉल यहाँ पर बनाई जाती है और डार्क टिम्बर रहती है, तो उसके बेस पर यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट तुदोरी स्टाइल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बाद में आप लोगों के सामने क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, जो कि यहां पर बात कर रहा था किसके बारे में, ये चल रही थी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग के बारे में। फिर क्विज था नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की, ये बात की यहां पर हमारी कंट्री में कि कैसे कोल को क्लीन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की गई यहां पर किस तरीके से हम लोग स्टील को लेकर सीरियस हो रहे हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बातें की गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर तमिलनाडु क्या कर रहा है वो जाना, इंडिया और ईरान के रिलेशन क्या है, कौन कौन से पोर्ट है वो समझा। नेक्स्ट जो बातें की गई यहाँ पर, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी के साथ में अच्छा माहौल बनाने के लिए एजुकेशन के फील्ड में, हमारी कंट्री और स्लोवेनिया के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो समझा, लोकेशन वगैरह सब हमने देखी। नेक्स्ट जो बात की गई यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंश्योरेंस स्कीम के तौर पर, तो ये यहाँ पर अनाउंस की गई थी रिसेंटली अभी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। सिक्योरिटी की बात की जा रही है ये समझा, और इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक अवार्ड के बारे में जाना जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से दिए गए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की, ये बात की गई थी वीसीबीसी के बारे में, यानी कि ये है वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर डिटेल में समझाता है हम लोगों ने यहाँ पर, जो एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर यहाँ पर ये अवार्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा यहाँ हम लोग ने जैकर बंगलो के बारे में देखने को मिला, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहाँ पर आज का क्विज जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड मॉनिटरिंग, जो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग जो डे है यहाँ पर, ये एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया था, कौन सी कंट्री की है यहाँ पर ये क्लीन वाटर फाउंडेशन, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन से मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली अभी नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। इसी के साथ में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे मिनिस्टर भी हैं, इसी के साथ में जो स्टेट के मिनिस्टर हैं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनके द्वारा स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, तो कौन सी कंट्री के बेस पर ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहां पर हमारी कंट्री का जो राज्य है तमिलनाडु, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसी के रोड डेवलपमेंट के फील्ड में, रोड सेफ्टी के फील्ड में। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा LEAP बोला गया, दूसरा बोला गया ARPIT, इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट यहां पर किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को यहां पर यह अवार्ड अभी दिया गया है, जिसको बोला जा रहा है डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 AM मेरे साथ में कौन उठेगा वो जरूर बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से कंटिन्यू आप लोगों को रखना है। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो देखिए चीजें पढ़िए खुद भी और दूसरों को पढ़ाइए, अगर पढ़ाते नहीं है तो चीजों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।